सुप्रभातम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 तो ते यानी द्विवचन। द्विवचन में तो का अर्थ होता है वे दो पुल्लिंग के लिए और ते का भी अर्थ होता है वे दो स्त्रीलिंग के लिए। ते का अर्थ भी वे दो है, तो का अर्थ भी वे दो है, लेकिन तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है और ते स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। लट यानी वर्तमान काल। लट लकार यानी वर्तमान काल में द्विवचन की क्रिया का प्रत्यय तह यानी तस होता है, जैसे लिख जमा तह लिखतः, दो लिखते हैं। ये द्विवचन पढ़ेंगे आज हम, लट लकार का द्विवचन। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे बालको नमतः, दो बालक नमस्कार करते हैं। तो किम कुरुतः, वे दो क्या करते हैं। तो नमतः, वे दो नमस्कार करते हैं। मनीषा हसती, मनीषा हंसती है। श्वेता हसती, श्वेता हंसती है। मनीषा श्वेता च हसतः, मनीषा और श्वेता हंसती हैं। हसतः का अर्थ है हंसती हैं और च का अर्थ है और, मनीषा और श्वेता। ते हसतः, वे दो हंसती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हिंदी अनुवाद करेंगे। नलिनः धावति, नलिनी नलिनः या नलिन दौड़ता है। आकाशः धावति, आकाश दौड़ता है। नलिनः आकाशः च धावतः, नलिन और आकाश दौड़ते हैं। धावतः का अर्थ क्या होता है, वे दो दौड़ते हैं। तो धावतः, वे दो दौड़ते हैं। और अगला है रागिनी पठती, रागिनी पढ़ती है। निशा पठती, निशा पढ़ती है। रागिनी निशा च पठतः, रागिनी और निशा पढ़ते हैं। ते पठतः, वे दो पढ़ते हैं। अगला वाक्य है तो किम कुरुतः, तो किम कुरुतः। तो का अर्थ मैंने बताया कि वे दो होता है पुल्लिंग में, तो से पढ़ेंगे वे दो क्या करते हैं। तो हसतः, वे दो हंसते हैं। तो किम कुरुतः, वे दो क्या करते हैं। तो लिखतः, वे दो लिखते हैं। अगला वाक्य है ते बालिके किम कुरुतः, वे दो लड़कियां क्या करती हैं। ते खादतः, वे दो खाती हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या करती हैं। ते पचतः, वे दो पकाती हैं। तो अभी इन दोनों सेंटेंस में आप देखेंगे, इन दोनों तरफ के जो वाक्य हैं यहाँ पर देखेंगे, पहला वाक्य पुल्लिंग शब्द का है, पुल्लिंग है, और दूसरे वाक्यों में स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर तो यानी वे दो, और इस वाक्य में हुआ है ते यानी वे दो। तो पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है और ते स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन में प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस है तो किम उरुतः, तो मतलब वे दो, किम मतलब क्या, उरुतः मतलब करते हैं। वे दो क्या करते हैं। तो खेलतः, वे दो खेलते हैं। ते किम कुरुतः, वे दो क्या करती हैं। यहाँ पे ते का अर्थ भी वे दो है, ध्यान रखेंगे तो का अर्थ भी वे दो और ते का अर्थ भी वे दो है। तो पुल्लिंग में प्रयोग होगा और ते स्त्रीलिंग में। ते किम कुरुतः, वे दो क्या करती हैं। ते गच्छतः, वे दो जाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में तो और ते शब्द को जोड़कर, ते और तो जो सर्वनाम शब्द है इसे जोड़कर आप वाक्य बनाएंगे। तो आप
पांच वाक्य तो के और पांच वाक्य ते के बनाएंगे। ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। संस्कृत की नोटबुक में लिखेंगे पांच पांच वाक्य, पांच वाक्य तो से बनाएंगे और पांच ते से। लेकिन वो वाक्य आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, आप स्वयं से नए वाक्यों का निर्माण करेंगे। विशेष है यहाँ पर, पहला है कि द्विवचन, दो के लिए प्रयोग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आज हमने पढ़ा द्विवचन यानी कि दो के लिए प्रयोग। और संस्कृत में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से लिंग का पता चलता है। जैसे ते पठतः, ते का अर्थ है वे दो पढ़ती हैं। तो पठतः, वे दो पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर तो का प्रयोग हुआ है इसका मतलब पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है, और यहाँ ते का प्रयोग हुआ है इसका मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर संज्ञा ये सर्वनाम शब्द है, और इन सर्वनाम शब्दों से पता चलता है कि ये जो वाक्य है स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। तो संज्ञा, संस्कृत में संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द से ही लिंग का पता चलता है। तो इसी के साथ आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और इसका उच्चारण करते हुए आप अपनी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करेंगे। धन्यवाद।